समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कड़ी नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि साध्वी का चाकू की धार तेज रखने वाला बयान ठीक नहीं है। इस तरह के बयान देकर वह माहौल खराब करने की कोशिश ना करें। गौरतलब है कि भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने हाल ही में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को अपने घरों में हथियार रखना चाहिए और कुछ नहीं तो कम से कम सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज कर उसका इस्तेमाल करें। वहीं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान पर संभल के दीपा सराय स्थित अपने आवास पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने बुधवार को कहा कि इस तरह के बयान से माहौल बिगड़ता है। उन्होंने साध्वी को नसीहत देते हुए कहा कि इस तरह के बयान देकर हालात बिगाड़ने की कोशिश नहीं की जाए। वहीं सपा सांसद ने कहा कि सभी धर्मों के लोग इंसान हैं और सभी के साथ इंसानियत का सलूक किया जाए। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के राहुल गांधी की तुलना भगवान श्री राम से करने के सवाल पर पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि यह पूरा मामला धर्म से जुड़ा हुआ है और इस मामले में वह कुछ भी नहीं कहेंगे। यह उनका जातीय मामला है, इस पर वह किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे। सांसद है प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने कहा है कि अपनी सब्जियों की जो चाकू उनकी धार रख लें लग जिहाद के लिए, क्या कहना है इस बारे में? नहीं देखिए, ये इस किस्म के बयान अच्छे नहीं है। ये इस टाइप के, बहरहाल सब इंसान चाहे वो पोजीशन का हो या पोजीशन का हो, किसी कौम बिरादरी हिंदू हो, मुसलमान हो, जाटव हो या सरदार हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब इंसान है। इसलिए इंसानों के साथ इंसानियत का सलूक होना चाहिए और इस किस्म के बयान देने से हालात बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की है और राहुल गांधी की राम से जो तुलना करते हैं, उन्होंने कहा है कि भले से जो है राम बाद में पहुंचेंगे लेकिन उनकी खड़ाऊ तो पहले पहुंच ही जाती है और जब जहां खड़ाऊ पहुंच जाती है वहां राम भी पहुंचेंगे। क्या मानना है इस बयान? देखिए, इसमें ये तो वो बयान है, वो जान है, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करने का हूं, समझिए। ये चूंकि मजहब से मुताल्लिक हो जाती है बात, तो इसलिए मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा, ये उनकी जाती राय है, वो जाने। महंगी बिजली बिल की समस्या से छुटकारा पाइए, सोलर सिस्टम लगाइए। जी हाँ, आपके लिए बेहद आसान हुआ सोलर सिस्टम लगवाना। संपर्क करें एमिटी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन, कृष्णा नगर, मथुरा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इसका आरओआई 25% है, यानी 25% का रिटर्न है। इसके हिसाब से देखा जाए तो जो लागत आप लगा रहे हैं वो लागत आपकी 4 साल में निकल आएगी।